गया है, वो इस तरह से हो गया है कि भाई मेरी शक्ल के बजाय पता नहीं क्या चीज पे क्लोज था, मुझे अभी तक समझ नहीं आया किधर पे क्लोज था, मैं ढूंढ भी नहीं सकती, मुझे नहीं पता कि इस पे था ना। सादिया ने जवाब दे दिया। जी बताइए कि योगा हेल्थ को भी बहुत ठीक रखता है, शुगर, ब्लड प्रेशर और काफ़ी इस तरह के मतलब जो हार्ट अटैक वाली बीमारियां हैं उन सबको, डिजीजेस को भी कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करता है। तो थोड़ा सा कुछ इलैबोरेट करेंगे एक लाइन में जो लोगों तक पहुंचे। देखिए जब इंसान अपनी सेहत का ख्याल रखता है तो जाहिर बात है अमराज भी ठीक होते हैं, उसकी लाइफ पूरी। योगा वे ऑफ लाइफ है, ये कोई सिर्फ एक्सरसाइज का नाम नहीं है, बंडल ऑफ एक्सरसाइजेस नहीं है, वे ऑफ लाइफ है। इसमें ब्रीदिंग कैसे लेते हैं, सोचते कैसे हैं, जो आपका आज मौजू है, आप हैरान होंगे कि अगर आप इस पे बात करती हूँ शायद मैं गर्दन की एक्सरसाइज घंटों बता सकता हूँ, जिसमें जेवर पहनना है पहले वो तो पता हो। हम योगी जरूर हैं लेकिन हमें वो 16 सिंगार आते हैं जो खवातीन को भी शायद नाम से नहीं आते होंगे, इसलिए कि जिंदगी को हर तरीके से समझना योग है। योग का मतलब है मिलाप, मिलाप। अगर इंसान का अपने आप से मिलाप हो जाए तो सिर्फ वो अच्छा दिखने में ही नहीं लगेगा, वो अच्छा अंदर से भी लगेगा। Agree. नहीं, उसके ऑर्गन्स भी अच्छे होंगे, उसकी सोच भी अच्छी होगी, तो ये पूरा एक वे ऑफ लाइफ। योगी जी एक मैं आपसे जरूर बात पूछना चाहूंगी कि हम सारी खवातीनों को ये ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जब हम लोग का वेट बढ़ने वाला होता है तो डबल चिन की प्रॉब्लम सबसे पहले आती है फेस पे, हर एक को, चाहे जितने भी स्लिम हो, तुम तो बिल्कुल भी नहीं है, शादी के बाद पता नहीं मुझे, हो सकती है भाई, हर एक को पूछ लो पहले से। तो जो जो मेरी बहनें भी जो देख रही हैं जिनको डबल चिन का प्रॉब्लम है, उसकी मैं ज़रूरी टिप्स इसलिए समझती हूँ क्योंकि नेकलेस पहनना है, ज्वेलरी पहननी है, तो शादी ब्याह में हर एक की जो नज़रों का जो क्लोज होता है ना, नज़र आंखों का क्लोज जो है वो इधर ही इधर होता है, तो ये आप हमारी फिट करवा दें पहले। सदा जी ये सिर्फ नज़रों का फोकस ही नहीं होता बल्कि यहाँ से एज भी पता चलती है। अच्छा, बाद दफ़ा मेकअप तो बहुत अच्छा हो जाता है उई, लेकिन नेक बता देती है कि असल में पीछे कौन है। अच्छा, एक हाथ, एक हाथ और एक गला, बड़ा अजीब मौजू होता है, वक्त होता है जब एक बहुत खूबसूरत से फेस पे काला सा हाथ आके अपना आंसू पहुंच रहा होता है, तो बड़ा अजीब सा लगता है, किसका हाथ था, बाद में पता चलता है मेकअप से रह गया, मेकअप से रह गया। तो ऐसा नहीं है, नेक की एक्सरसाइज बहुत अच्छी है और ना सिर्फ ये आपके वोकल कॉर्ड को सही करती है, हम लोग जो सिखाते हैं, मैं उस्ताद हूँ, सिखाता हूँ, बोलता हूँ, ट्रेन करता हूँ, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी है। और नेक की जो लाइनें हैं उनको खत्म करने के लिए आप दिन भर में चंद मरतबा, चाहे वो 10-20 मरतबा हो, अपनी नेक को पूरा स्ट्रेच कर लिया करें इस तरह। अच्छा। और फिर छोड़ दें। बाजार ये लगेगा शायद हमने स्किन को खींचा है तो और ज्यादा ये लूज हो जाएगी, ऐसा नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो सही हो जाएगी, या फिर नेक को आप हल्का हल्का इस तरह मसाज करती रहें, उससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो जाएगी। ठीक है। एक और तरीका यह है कि आप, ये बड़ा टेक्निकल है और ये डबल चिन को खास तौर से सही जी बताइए, ये तो बहुत जरूरी है, बहुत कमाल का है। वैसे आप स्ट्रेच करें तो आपकी नेक में खिंचाव आएगा, लेकिन आप चाहते हैं कि टारगेट आपका ये है तो आप लोअर लिप्स को अपर के ऊपर रख के और उसको मुट्ठी बना लें और इसको प्रेस करें पूरी तरह, बशर्ते कि नेक में कोई मसला ना हो, एज अ डॉक्टर मैं कहूंगा कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस वो प्रॉब्लम ना हो। डायरेक्टली इस जगह प्रेशर आएगा, डायरेक्टली। हमारी वो बहनें जो समझती हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है, मैं इतना स्ट्रेच नहीं कर सकी या नेक में प्रॉब्लम है, तो वो अपने थंब से एरिया को कम से कम दिन भर में 50 दफा प्रेस कर लिया करें, देखें ये मसल्स अंदर की तरफ कैसे जाते हैं। अच्छा, ये खुद ही टाइट हो जाएंगे। ये एक अजीब अगरीब हमारे टिश्यू है, मसल्स हैं जो लूज होकर सीधा हो जाता है। क्या बात, तो इसको आप प्रेस करते रहें तो ये खुद ही, भाई आप ये जरूर कीजिएगा क्योंकि जब आप ये करेंगे तो फिर जो इमिटेशन ज्वेलरी, आज हमारा जो टॉपिक है ज्वेलरी, कुछ भी पहनेंगी अपनी माइयों पे, शादी पे, बारात पे, तो बहुत प्यारी लगेंगी। आप बताइए कि ये जो आप पहनी है इमिटेशन ज्वेलरी, आप लोग तो खास मीडिया में होते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रमोट भी कर रहे होते हैं इमिटेशन ज्वेलरी को और अपने हर जोड़ों के साथ आपके कैरी भी कर रहे होते हैं, किस हद तक पसंद करती हैं इमिटेशन या बहुत ज़्यादा गोल्ड ब्रांडेड बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ना गोल्ड को ना ब्रांडेड में, तो जो भी अच्छी चीज़ होनी चाहिए मेरा ख्याल है, तो जो अच्छी लगे आपके कपड़ों के साथ या उसके साथ, तो वो मुझे तो बड़ी पसंद है। तो इमिटेशंस में वैसे आपको नग वगैरह, स्टोन्स वगैरह पसंद है मैचिंग के लिए? हाँ, बिल्कुल अच्छे लगते हैं क्योंकि वो जो नग वगैरह बंदा पहनता है तो वो हर किसी के साथ पहने जा सकते हैं। हाँ हाँ, और कहाँ से ज्यादा आपको सस्ती चीजें मिलती हैं जरा बताइए, तो अनारकली से माशाल्लाह मोहम्मद साहब तो नहीं है। सस्ती चीजें हर जगह भी मिल जाती हैं लेकिन ढूंढनी पड़ती है मेरा ख्याल। मुझे तो वैसे वो लिबर्टी की मार्केटें भी बहुत पसंद है जहाँ पे कोई चीज को मुझे छोटा सा पर्ल मिल जाए, स्टोन मिल जाए, सब कुछ, मैं तो वहाँ पे भी बड़ा जाती हूँ, बल्कि मुझे कभी चेक करना होता है ना आजकल मेरा कौन सा ड्रामा है, लिबर्टी मार्केट उतर जाती हूँ, कितनी
बुरी तरह सी है सभी मुझ पे। तो वो तो सही बात है ना, वो तो तुम्हें देख के ही कह देंगे ना कि ये हिट है वो ये हिट है, वो सही कर रही है, वहाँ बहुत बुरी लग रही है, वहाँ आप अच्छी लग रही है, उस तरह से ही पता चल जाता है। कॉल लेती हूँ एक, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी एक सादिया यहाँ बैठी है, एक सादिया कराची से कॉल आ रही है, इसलिए ले रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम सादिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सुबह की फिजा। सुबह की फिजा, मेरा तो शो का नाम ही सुबह की फिजा पड़ गया है। सुबह सुबह माशाल्लाह बहुत प्यारी बहुत क्यूट लगती हैं आप। मेरी चार्मिंग डॉल। हाय हाय, थैंक यू। एक ड्रीम गर्ल बोला, एक डॉल बोला, यार दोनों चीजों में एक एक मुझे दरमियाना नाम दे दो। अच्छा पहले सुबह बोल के दिखाओ। सुबह सुबह सुबह, क्या बात है। अच्छा जी गाना याद है ये वाला जो राहत पतेली जी ने कंपोज किया था मेरे मॉर्निंग शो के लिए, सुबह की फिजा जो टाइटल पे चलता भी है। जी जी, गा के दिखाओ सोने का सेट। मुझे गाना तो नहीं आता, थोड़ा सा गुनगुना के जबरदस्ती। यार गोल्ड प्लेटेड सेट दे रही हूँ यार, कितना खूबसूरत तरीन गिफ्ट नहीं लोगी मेरी जान, आसान तरीन सवाल पूछा है। अच्छा, और कुछ पूछ ले। अच्छा चलो, सूरज की किरणें चुरा लाई है, खुशियों की कौसे कजा लाई है। हाय मेरी जान। अच्छा ठीक है, देखो तो जरा क्या क्या ये फिजा लाई है, ये गा लो आपके साथ गाइए। चलो देखो तो जरा क्या क्या ये गाओ, ये सोचो जरा क्या क्या ये, क्या क्या ये फिजा लाई है, है। यार तुमने बहुत अच्छे गाए सादिया माँ। चलो पूरा प्रोग्राम देखो, प्रोग्राम के एंड में बताती हूँ कि तोहफा है, तोहफा या सोफा। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। आपने अपनी शादी पे जब माइयों पे बैठी थी या फिर फंक्शंस हो रहे थे घर के, तो इमिटेशन ज्वेलरी यूज़ की थी या बहुत सादापन रखा था? एवरीथिंग बहुत सिंपल। बहुत पहले शादी हुई थी तो बहुत कदीमा से इसको लेके आया। उस टाइम पे ये ट्रेंड था भी नहीं, इट वाज जस्ट वो झुमके जो फ्लावर्स वाले या फूलों वाले हार हो गए, ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल। ओह लवली। तो अब जी वक्त हुआ चाहता है एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे। और आपको बताती चलूँ कि जो कोई सवाल मैंने समझे ना पूछा हो आज, बल्कि जिससे पूछा भी ना हो, मैं ऐसी बहुत खुशी से जो मेरी लकी कॉलर्स हैं जिन्होंने बहुत सारे भी फ़ोन्स किए सुबह, उनको मैं आज खाली हाथ नहीं जाने दूंगी, दूंगी दो खूबसूरत जोड़े इत्तेहाद लॉन के। रहिएगा मेरे साथ, वापस आइए, बहुत कुछ है आपको देने के लिए, आपसे बात करने के लिए। छोटा सा वक्फा लीजिए।